अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मदीहा अरफी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और ईद आपको पता है गुज़र चुकी है, तो हम गांव से कल शाम को वापस आए थे। ये मेरा गला आप देख रहे हैं ना, ये गला बैठने के रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। हम कल शाम को गांव से वापस आए थे। मौसम कल का बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए हवा चल रही है, ये हमारे दरख्त कैसे हिल रहे हैं, ये देखिए इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। गांव में दो तीन बार हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। मेरा बड़ा दिल था कि मैं गांव में वीडियो बनाऊँ एक दो, लेकिन ये गले की ख़राबी ने बनाने ही नहीं दिया आवाज़। कल तो गला बिल्कुल बंद था, कल भी परसों भी, आज थोड़ी सी आवाज़ निकली है। सुबह उठ के तो निकल ही नहीं रही थी, अभी निकली है थोड़ी सी। तो हम गाँव से वापस आ चुके हैं, जैसे कि कल छुट्टियाँ, आज छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, कल से दोबारा जो है वो ज्वाइन करेंगे स्कूल को। तो अगर अभी तक आपने स्ट्रॉन्ग मदीहा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये गला मेरा पता है क्यों इतना बैठा हुआ है, ये आवाज़ मेरी, ये बच्चों ने गांव में हमें वो खपाया। तीनों आपियों के बच्चे इकट्ठे थे, तीनों भाइयों के बच्चे इकट्ठे थे, 20-25 बच्चे जब इकट्ठे हों, फिर आपको पता है वो फूफो या मासियों का क्या हाल करते हैं। वही हाल बच्चों ने हमारा किया, मेरा भी गला फुल बैठा हुआ है, रिमशा का भी और मेरी आपी का भी, हमारे तीनों के गले 3 दिन से बंद है, ऐसा इन्होंने हमें खपाया था। तो अब मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी आवाज़ निकाल के बनाते हैं वीडियोस। ये देखें, ये मेरी भतीजी थकाव बैठती है, मुश्किल ही सारे फूल उतार गया, से हमने हार और गजरे वगैरह बनाए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर से ये जो है बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, वो अनार पे भी फल लगा हुआ है और अमरूद पे भी थोड़ा थोड़ा सा है, ऑरेंज का भी था, लेकिन बच्चों ने सारा उतार दिया, छोड़ते ही नहीं कुछ भी। और ये हमारा जो गुलाब का पौधा है, इस पर माशाल्लाह 2 कलर्स के फूल लगते हैं। एक ये देखें, ये बिल्कुल हल्का पिंक है, ये देखें, और ये रेड वाले फूल हैं, 2 कलर्स के इस पर फूल लगते हैं माशाल्लाह। और ये धनिया भी मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था, ये भी बहुत छोटा था, लेकिन अब ये हो चुका है माशाल्लाह, वो आगे भी लगाया हुआ है। और ये मैंगो का जो पौधा था, ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो चुका है। वो अहमद अजान सामने है, बस सुबह से खपा रहे हैं, अब कल ये स्कूल जाएगा ना, फिर थोड़ी सी घर में शांति होगी। ये दोनों एक जैसे, दोनों बड़ा खपाते हैं। चलो ये लो बात करो, बोलो हाय। हाय। बोलो गुजरी हुई ईद मुबारक। ऊंचे आवाज़ से बोलो, हाय। जाबिर अहमद किधर है? हैं जाबिर अहमद किधर है? जाओ ले के आओ मिजाबिर अहमद को। मिजाबिर अहमद, ये देखे, ये कबूतर हमारा जो पूरा मोहल्ला है ना, ये कबूतरबाजों का है, सीक्रेट बात। पूरा मोहल्ला कबूतरबाजों का है, हर साइड पे कबूतर। एक ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये, दूसरा ये हमारी बैक साइड पे वो नज़र आ रहा है ना खुड्डा, ये भी कबूतर है। दूसरा ये सामने साइड पे, ये भी कबूतर है, पूरा मोहल्ला ही कबूतरबाजों का। ये भी फिर के आ चुकी है, ना छेड़ो, सुबह से फिर रही है ऐसे ही। मिजाबिर अहमद हाय बोलो, हाय बोलो, ईद मुबारक गुजरी हुई। गुजरी हुई, बाबा पास गए थे ना हम, बाबा पास गए थे ना, बाबा पास गए थे, बाबा को पप्पी कैसे लगाई थी, अयान को लगा के दिखाओ, देखो देखो। बड़ी प्यार, पीछे होके नजर आता है पीछे, ऐसे ये अयान बड़ा प्यार है, ये जीजू भी बड़ी करते। चलो बोलो, ईद मुबारक गुजरी हुई। ये मेरा काका बड़ा बीबा है ना। और आप सब बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी ईद कैसी गुजरी है। मेरी ईद का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना, और आज हमारे घर में सफाई डे मनाया जा रहा है। ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये मैंने वॉश करके रखे हैं, ये ड्रायर मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है, और मक्खियों ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। इतनी मक्खियाँ दुनिया में कहीं नहीं देखी होंगी जितनी इधर। और ये काले कीड़े हमारे घर से ऐसे निकल रहे हैं जैसे सवाब का काम है, ये देखे। अब गर्मी आ गई है ना, बस यही हाल। ये देखें कीड़े कैसे निकल रहे हैं जगह जगह से, बस यही हाल है अब गर्मी के दिनों में। मैंने कहा कितने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, चलो आज बैठी आवाज़ के साथ ही थोड़ी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूं, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, चलो थोड़ी बहुत अब निकल आई है। उम्मीद है कि कल तक खुल जाएगी सारी। वो बिल्कुल सामने भी ये कबूतरों के 2 खुड्डे, पूरा मोहल्ला कबूतरबाजों का है, हर साइड पे
बस बस निकल रहे हैं फिर फिरने के लिए, बस निकल रहे हैं अब फिर, है ना, घर में सुकून नहीं मिलता। और ये जो लेडी बग्स हैं ना, इनका तो ना पूछे, इन बच्चों हमारों ने क्या हाल किया। गांव में भी इतनी ज़्यादा थी, शहतूत है हमारे घर में, उन पे शहतूत पे इतनी ज़्यादा थी, और ये भी पकड़ के, तब भी उनका यही हाल की, दस दस एक एक बच्चे ने पकड़ी होती थी, अब भी यही हाल, ये देखे ये देखे अब भी यही हाल। और आप बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद, इंजॉय किया कि नहीं किया, कि मेरी तरह बस गला बिठा के बैठे हुए हैं। ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी थी, लेकिन ये गले की ख़राबी की वजह से ना मैं ईद पे भी कोई ख़ास वीडियो नहीं बना सकी। तब तो गला थोड़ा बेहतर था, ईद के दूसरे दिन से लेके मेरा ये हाल है, ईद के दूसरे दिन से लेके गला फुल बंद है। तो नहीं तो साढ़े ला दी दिन तो कितों हैं, और ना मैं अहमद अजान को भी कह रही हूँ, मैं तुम्हें अलग से चैनल बना के दूँ, तुम भी वीडियोस बनाया करो। इंशाल्लाह हम अहमद अजान का अलग से चैनल बनाएंगे और ये भी तब वीडियो बनाया करेगा, ठीक है, बनाओगे ना, पक्की बात है। फिर सबको बोल दो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आप भी बोलो बाबे रहमद, आप भी बोलो चलें जी, अब हम करते हैं व्लॉग को एंड। स्पाइडे तो आप देख ही चुके हैं, मनाया जा रहा है, अभी की तबीयत भी रात से ठीक नहीं है, और अब मिलके हम कर रहे हैं काम थोड़ा बहुत। तो फिर अब मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मेरे साथ मेरे लिए दुआ भी करनी है कि मेरा गला जल्दी खुल जाए, ताकि फिर मैं डेली बेसिस पे ना वीडियोस बनाया करूं। तो एक पौधों की मैंने सुबह कटिंग की थी, ये बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, गुजरने का रास्ता नहीं था, इसकी भी मैंने सुबह कटिंग की थी, अनार की साइड्स पे सारी जो छोटी छोटी शाखें थी उनकी कटिंग की थी। उसके अलावा वो आगे जो दोनों पौधे हैं, ये वाले, ये ऑरेंज के, इनकी कटिंग की थी, अमरूद का पौधा इसकी कटिंग की थी। तो अब ये थोड़ा सा ना रास्ता खुला हो गया और अभी अच्छे भी लग रहे हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।